Audio Jump. इंदौर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुचि वर्धन मिश्र के निर्देश पर दीपालपुर में अभियान प्रहार में एक और सफलता मिली है। बेटमा थाना प्रभारी डीपीएस चौहान को एक महिला पर उसके पति द्वारा मारपीट करने की शिकायत करने के बाद आरोपी को नायब तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया। दरअसल इंदौर पुलिस अधीक्षक रुचि वर्धन मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक पश्चिम अवधेश गोस्वामी एवं अधीक्षक धर्मराज मीणा के निर्देशन में दीपालपुर एसडीओपीआर के रॉय के मार्गदर्शन में अभियान प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना प्रभारी बीटमा डीपीएस चौहान द्वारा रामपुरा की रहने वाली रामकन्या बाई की शिकायत मिलने पर तुरंत 108 की मदद से प्रधान आरक्षक शैलेंद्र को भेजकर शिकायतकर्ता महिला रामकन्या बाई को थाना बीटमा लाया गया, जहां पर उसके पति राहुल ग्राम रामपुरा के द्वारा कई वर्षों से शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने की शिकायत को लेकर थाना प्रभारी डीपीएस चौहान द्वारा कार्रवाई करते हुए 151 की धारा में नायब तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया। दीपालपुर से बलराम देसाई की रिपोर्ट।